हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं अभी चाउमीन बना रही हूँ, तो चाउमीन को उबलने को चढ़ाई हूँ। ये उबल गई है, लो फ्लेम में चढ़ाई थी पानी डाल के, तो इसको उबाल लेंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल हमारा पक जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें बघारेंगे। तो हमारी कढ़ाई हो गई है। अब कढ़ाई हम ऑयल को पका के इसमें जीरा आलू प्याज डाल देंगे। अब इसको हम ढक के लो फ्लेम में पकाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे लो फ्लेम में करके। आलू प्याज डाल दिए, अब ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालना है। अब प्याज थोड़ा सा हो गई है, आलू प्याज थोड़ा पक गया, तो हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। हम थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे। मुझे ज़्यादा मिर्ची तो पसंद नहीं, इस टाइम पे बहुत तीखी भी है मैं, इसलिए हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। जिसको जितनी ज़्यादा मिर्ची पसंद हो इसको चलाएंगे। अब ये पक रहा है, इसको लो फ्लेम में चलाते रहेंगे। अब हमारी प्याज आलू शिमला मिर्च सब कुछ पक गया है, हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के और इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। अब इसमें हम मैगी मसाला डालें, मैगी मसाला डाल के चला दिए हैं। अब इसमें रेड मिर्ची डालेंगे थोड़ा सा। तो उबाल कर छान लिए हैं, अब इसको हम डालेंगे इसमें। इसको हम चलाएंगे लो फ्लेम में करके। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक फिर से ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते रहेंगे। थोड़ी ज़्यादा चाउमीन हो गई है, इस कारण थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये चाउमीन हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा केचप भी ऐड कर देंगे। सूखी सूखी लग रही है हमारी चाउमीन, अब सुंदर लगेगी। दोस्तों, हमारी चाउमीन रेडी है अब।